नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट बीए थर्ड सेमेस्टर, और आज हमारा टॉपिक है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया का संक्षिप्त जीवन परिचय और उसके बाद राम कुमार लोहिया के आर्थिक विचारों का विश्लेषण करेंगे। तो संक्षिप्त परिचय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म अकबरपुर जो निकट फैजाबाद वर्तमान अयोध्या में है। इनके पिता का नाम हीरालाल और मां का नाम चंदा था। इनके पिता कांग्रेसी नेता थे। इनका जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ था और इनकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रारंभिक शिक्षा टंडन पाठशाला विश्वेश्वरनाथ हाई स्कूल अकबरपुर में। उसके बाद जब इनके पिता मुंबई में जाकर के बंबई में रहने लगे तो राम मनोहर लोहिया की जो शिक्षा हुई वो मारवाड़ी विद्यालय बंबई में हुई। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने प्रवेश लिया, स्नातक कार्य किया। उसके बाद कुछ समय काशी विश्वविद्यालय से जाने के बाद विद्यासागर कॉलेज कलकत्ता से 1929 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद ये पीएचडी करने के लिए पहले लंदन गए, फिर उसके बाद वहां से हम्बर्ट विश्वविद्यालय बर्लिन जर्मनी पहुंच गए और वहां जर्मनी में 1929 से 1933 के बीच में रिसर्च वर्क पूर्वक किया, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। साल टैक्सेशन इन इंडिया इस विषय पर इन्होंने थीसिस लिखी और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, द कास्ट सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी और मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, और भी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। और इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 को दिल्ली में हो गई थी। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संक्षिप्त परिचय।